Good morning, girls and guys, welcome back. Let's crack WB exam पे स्वागत है आपका. पर आज हम लोग WBCS के लिए नहीं, IB का ACIO का mock test हम लोग करने वाले हैं, है ना? कल हम लोग ने एक सुबह 8:30 बजे कल किया था एक mock test 1, और आज हम लोग करने वाले हैं mock test 2. एंड और भी mock test मेरा आने वाला है, WBCS के ऐप में भी आकर के देख लेना, उसपे भी एक मॉक टेस्ट आने वाला है बहुत जल्दी, कल या परसों आने वाला है. तो उस मॉक टेस्ट को भी आप लोग, आईबी वाला उसको भी आप लोग जरूर देख लेना, है ना. लेट्स क्रैक WB एग्जाम पे सबका स्वागत है. अनअकैडमी पे जोड़ने के लिए सबका बहुत बहुत शुक्रिया. लिंक को शेयर कर देना दोस्तों में, फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर पे. अच्छा, अनअकैडमी पे हम लोग का एक बैच है लक्ष्य बोल करके WBCS के लिए, है ना. तो मेंस को जिसको भी सही तरीके से प्रिपरेशन करना, अच्छी गाइडेंस चाहिए, तो उस बैच को आप लोग मेंस में जरूर ज्वाइन कर सकते हैं. लेट्स क्रैक WB एग्जाम, जिसपे मैं, स्नेहा मैम, बबीता मैम, द्विति सर, प्रीति मैम, हम लोग सब लोग पढ़ा रहे थे. इस बैच को जरूर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं प्लस क्लास में, राइट. ओके, अनअकैडमी का सबसे पहले आप ऐप डाउनलोड करिए, देना मुझे फॉलो कीजिए, है ना, ताकि प्लस क्लास में आप मुझसे जुड़ पाए. और प्लस क्लास में जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको परचेज करना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन लगाना पड़ेगा. एक साल का फीस है 10,450 रुपए, दो साल का 15,200 रुपए. तो इतना नहीं देना पड़ेगा आपको. एक्चुअली में आपको क्या करना है, आपको लगाना है कोड, मेरा कोड दैट इज MDR, है ना. तो फीस क्या हो जाएगा, 10% का मिल जाएगा डिस्काउंट. तो फीस हो जाएगा 9,405 रुपए फॉर 1 ईयर, 13,680 रुपए फॉर 2 ईयर, है ना. मैदाब गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. ओके, तो प्लस क्लास में आपको क्या देखो, अगर दो साल के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो फीस क्या हो जाता है, सिर्फ 570 रुपए पड़ जाते हैं फीस, है ना, राइट. ओके, तो अनअकैडमी पे कौन ज्वाइन कर सकता है, बाबू वही लोग ज्वाइन कर सकते हैं जिसको, है ना, बेस्ट एडुकेशन चाहिए अपने मेंस को प्रिपरेशन करने के लिए. WBCS या कोई भी आप देखेंगे वेस्ट बंगाल का कोई भी एग्जाम, या SSC, रेलवे, FCI, IIB, है ना, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को. अच्छा, बहुत सारा अदर अदर, जैसे मेरा स्नेहा मैम का बैच मैंने दिखाया आपको, वैसे अदर भी बैचेस है अदर फैकल्टीज लोग का, उनका भी आप लोग प्लस क्लास में अगर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, उनका भी क्लास आप कर सकते हैं. जैसे एक बैच ये है 8 फरवरी का, देखो वेस्ट बंगाल पुलिस कॉन्स्टेबल का, हम खुद करवा रहे हैं वेस्ट बंगाल कॉन्स्टेबल SI का बैच, है ना, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं. अच्छा, अलग अलग बैचेस है, सबका बैचेस आप देख सकते हैं अपने हिसाब से, कोई भी बैच में किसी भी फैकल्टी का क्लास आप कर सकते हैं, बिल्कुल, है ना. चलो आगे बढ़े हम लोग, लेट्स क्रैक WB एग्जाम पे सबका स्वागत, वेलकम टू द हिस्ट्री पूर ऑफ अनअकैडमी. पहला क्वेश्चन देखो आने वाला है, है ना, पहला क्वेश्चन आने वाला है. लिंक को सब लोग शेयर कर देना. चलो देखिए हम लोग पहला क्वेश्चन, हाँ गया पहला क्वेश्चन हमारा. अलग अलग फैकल्टीज लोग का अलग अलग क्लासेस है, उनका भी क्लासेस आप लोग कर सकते हैं. हाँ, तो पहला देखो क्वेश्चन आ चुका है, फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है. पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड हेल्थ. ठीक है, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा है, आंसर आप लोग करेंगे 30 सेकेंड में अगर आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे, है ना. एकदम जहर दे दो, पतंजलि का हर्बल वाला, ठीक है. थर्टी सेकेंड टाइम में फटाफट आंसर करना और लिंक को शेयर कर देना. ताड़ी आंसर बोलो. प्रतिमा बोल रही है 1 का C. ओके, बारोन की, बारोन टके. बोलो स्नेहा आंसर बताओ. बापू 1 का आंसर है A. ठीक है, 1 का आंसर क्या है, A इज द आंसर, मैग्नीज. ठीक है, याद रख लेना, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नॉट एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ, है ना, और हेल्थ के लिए. मैग्नीज से देखेंगे इसका प्लांट का हेल्थ खराब भी हो जाता है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखना, रैंक ऑफ इंडिया इन द हैप्पीनेस इंडेक्स इन द वर्ल्ड. रैंक ऑफ इंडिया इन द हैप्पीनेस इंडेक्स इन द वर्ल्ड, जल्दी से आंसर बताओ. कमेंट में 30 सेकंड में आंसर आप लोग बताएंगे, रैंक ऑफ इंडिया इन द
हैप्पीनेस इंडेक्स, है ना। पेन का कलर चेंज कर लूं? ओके जस्ट अ मिनट। अब कैसा है बोले तो? अब ठीक है, यस आंसर है वन का बी, वन टू का बी। आंसर इज 144 इज द रैंक। इंडिया का रैंक कितना है? 144, है ना। ठीक है, ठीक। अब जरा सा हम लोग इसके बारे में लिखेंगे, लिखना है तो लिख लेना। आउट ऑफ कितना कंट्रीज में? अच्छा एक नंबर पे कौन सा कंट्री है, वन में कौन सा कंट्री है, वन में कौन सा कंट्री है? टोटल कंट्री 156। अच्छा वेरी गुड, टोटल कंट्री 156, इंडिया का रैंक है 144। एक नंबर पे कौन सा कंट्री है जल्दी से कमेंट में मुझे बताना, कौन सा कंट्री है। 30 सेकंड टाइम है, जल्दी से आंसर बताओ, रैंक वन पे कौन सा कंट्री, और लिंक को शेयर कर देना। डी से कंट्री का नाम है, कंट्री का नाम है डी से। आप लोगों को हिंट मैंने दे दिया। एक नंबर पे बाबू डेनमार्क, रैंक वन। रैंक टू पे है फिनलैंड, ठीक है, और रैंक थ्री पे है स्विट्जरलैंड, क्योंकि इधर पे कोई कॉमेडी करने से जेल नहीं जाता है। फर्स्ट में फिनलैंड है, हाँ हाँ सही बोले सही बोले। एक पे फिनलैंड है, बिल्कुल सही बोली, हम ही गलत बोल रहे थे। दो पे डेनमार्क है और तीन पे स्विट्जरलैंड, ठीक है, क्योंकि ये सब कंट्री में कोई कॉमेडी करने से अंदर नहीं जाता है, इसीलिए इधर पे रैंक वन पे। और जर्नलिस्ट लोग भी अंदर नहीं जाते हैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने से, दैट इज वाई रैंक वन। क्वेश्चन नंबर थ्री देखेंगे, ब्रू ट्राइब मेनली सेटल। पक्का ये क्वेश्चन आने वाला है इस बार, 100% ये क्वेश्चन आईबी में आने वाला है। ब्रू ट्राइब मेनली सेटल्ड इन विच स्टेट, ठीक है, ब्रू ट्राइब मेनली सेटल्ड इन विच स्टेट। ब्रू एक ट्राइब का नाम है, कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा है, कौन स्टेट है ब्रू ट्राइब मेनली सेटल्ड, क्या होगा आंसर, जल्दी से आंसर बताओ। फरहत, नेहा, मेहताब, जल्दी से आंसर बताओ। उदय शंकर बोल रहे हैं आसाम, फरहत बोल रही है त्रिपुरा, कायनात बोल रही है डी, प्रतिमा बोल रही है थ्री का ए। आंसर है बाबू बाबू थ्री का डी, त्रिपुरा इज द आंसर। अब जरा सा थ्री के बारे में लिखेंगे, थ्री के सामने लिखो डी, डी के सामने स्माइल लगा करके आंसर लिखेंगे। लिखे लिखो जरा, ब्रू इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस, ब्रू इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस ट्राइब ऑफ त्रिपुरा। ब्रू इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस ट्राइब ऑफ त्रिपुरा। वेरी गुड स्नेहा। अच्छा तो फर्स्ट ट्राइब, फर्स्ट में ट्राइब सबसे ज्यादा कौन सा त्रिपुरा में होगा, एक नंबर पे सबसे ज्यादा त्रिपुरा में कौन सा ट्राइब है। सेकेंड मोस्ट पॉपुलर ट्राइब इज ब्रू, तो फर्स्ट मोस्ट पॉपुलर ट्राइब कौन सा है, क्या बोलोगे आंसर। आंसर एक में सबसे ज्यादा है, चलो हम 30 सेकेंड वेट कर रहे हैं, जल्दी से कमेंट में आंसर बताना। जल्दी बोलो, एक में है बाबू चकमा। ठीक है, और हे हु इज त्रिपुरा का सीएम कौन है, हु इज द सीएम ऑफ त्रिपुरा,
Biplab Deb. विप्लव देव, ठीक है, जो बोलते हैं महाभारत के टाइम में इंटरनेट था। मुकेश अंबानी तो आत्महत्या कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखना, सिटीजन ऑफ इंडिया, बहुत धांसू क्वेश्चन दिया है मैंने। सिटीजन ऑफ इंडिया कैन प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन बिजनेस ऑक्यूपेशन मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा आर्टिकल में मेंशन्ड है इंडिया का बिजनेस प्रोफेशन ऑक्यूपेशन मेंशन है, कौन सा आर्टिकल है? जल्दी से कमेंट में आंसर बताइए। उदय शंकर बोल चे विप्लव देव, बिल्कुल सही। स्नेहा फरहत सब लोग बोल रहे हैं विप्लव, वेरी गुड वेरी गुड, सही। लिंक को शेयर करते चलना फेसबुक में, व्हाट्सएप में, ट्विटर पे, ठीक है। कौन सा आर्टिकल है जिसमें सिटीजन ऑफ इंडियन लोग को फ्रीडम है अपने खुद का प्रैक्टिस चूज करने का, अपना बिजनेस चूज करने का, अपना प्रोफेशन चूज करने का, कौन सा आर्टिकल है? वेरी गुड, फरहत बोल रहे हैं ऑप्शन सी, कायनात बोल रही है ऑप्शन सी, और कोई है? जल्दी से बताओ। उमा, प्रतिमा, नेहा, उदय, सब लोग बताओ। फोर का आंसर सी बोल रही है स्नेहा, बिल्कुल सही आंसर है फोर का सी, बिल्कुल सही। आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज जी, क्या बोलेंगे? आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज जी में क्या लिखा हुआ है? फ्रीडम ऑफ बिजनेस प्रोफेशन ऑक्यूपेशन सब मेंशन है, ठीक है। तो आंसर होगा फोर का, वन का जी, है ना। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट 5। इन विच कंट्री इज द ग्रेटेस्ट ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट लोकेटेड, कौन सा कंट्री में ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट लोकेटेड है ना। और ये क्वेश्चन है आईबी 2012 का, आईबी 2012। हम पेपर कैसे बनाते हैं? हम पेपर मॉक टेस्ट, मतलब मेरा क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर दोनों को मिला करके मिक्स करके पेपर दिया है, ताकि एक आइडिया भी हो जाए कि अब किस तरीके का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलो आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 5 का, इन विच कंट्री द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट लोकेटेड। ओके, स्नेहा बोल रही है ऑप्शन डी, फरहत बोल रही है ऑप्शन डी, ठीक है। और कौन बोल रहा है? उदय भी बोल रहे हैं डी, वेरी गुड वेरी गुड, आंसर बिल्कुल सही, आंसर होगा डी, वेरी गुड, एकदम करेक्ट आंसर डी है ना, आंसर इज डी। तो लिख ले जरा इसके बारे में भी लिख लीजिए, कहाँ पे मेंशन, कहाँ पे है ये, एक लाइन लिख लेना स्माइल लगा करके फाइव के सामने। देखो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट लोकेटेड इन द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट लोकेटेड इन द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड नाउ इट इज, नाउ इट इज वर्ल्ड हेरिटेज साइट, नाउ इट इज वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। शांतनी कैमन आछो तुमी, गुड मॉर्निंग ऑल। हेला होबे, सुना है गाना है वाला टीएमसी का, खेला हो बे हमियो जाची खेला करते। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम लोग, है ना। बासवाना लिंगायत पोएट ऑफ 12th सेंचुरी वाज बोर्न इन, ये क्वेश्चन भी आने का बहुत चांस है, क्वेश्चन आने का, ये करंट अफेयर्स है, पता है हिस्ट्री का क्वेश्चन है लेकिन आज के लिए करंट अफेयर्स बन चुका है। इस क्वेश्चन का आने का बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत चांस है आपके कोई भी एग्जाम में, एसएससी एमटीएस। अच्छा एमटीएस का भी हम सोचे सेट बना दिया, अगर आप लोग बोलोगे तो एमटीएस एसएससी सीजीएल और ऑल का भी हम सेट बना देंगे। तो बासवाना इज लिंगायत पोएट ऑफ 12th सेंचुरी वाज बोर्न इन, कौन से स्टेट में पैदा हुआ था बासवाना? लिंगायत पोएट फिलोसफर सेंट भी थे, कौन से स्टेट में पैदा हुए थे? आमी गुड आमी गुड आई एम फाइन, आंसर क्या होगा जल्दी से आंसर बताएंगे।
लिंक को सब लोग शेयर करते चलना, अच्छा लगे लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, ठीक है। और पतंजलि का सब लोग जहर भी दे देना। आंसर बिल्कुल सही, 6 का ए है, स्नेहा बोल रही कर्नाटका, एकदम आंसर सही है, कर्नाटका इज द आंसर, फरहत भी कर्नाटका बोल रही है, कायनात ने भी बोला है, तो आंसर बिल्कुल सही, कर्नाटका इन द आंसर। 6 के सामने जरा स्माइल लगाएंगे, स्माइल लगा करके लिखेंगे बासवाना, बासवाना जितना एक्स्ट्रा पॉइंट है ना उसको अच्छे से लिखा करो, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा आपका। बासवाना वॉज द लिंगायत, वॉज द लिंगायत पोएट फिलोसोफर एंड सेंट, लिंगायत पोएट फिलोसोफर एंड सेंट ऑफ 12th सेंचुरी, ऑफ 12th सेंचुरी, बोर्न इन कर्नाटका, बोर्न इन कर्नाटका, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वेस्टर्न चालुक्य डायनेस्टी, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वेस्टर्न चालुक्य डायनेस्टी। तो कर्नाटका को अंडरलाइन करो, लिंगायत को अंडरलाइन करो, वेस्टर्न चालुक्य अंडरलाइन करो। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि बासवाना कौन से डायनेस्टी के टाइम पे हुआ करता था, तो आंसर क्या बोलेंगे, आंसर बोलेंगे बाबू वेस्टर्न चालुक्य। फुल स्टॉप, नीचे एक लाइन और लिख लेना, बासवाना बासवाना वॉज द शैवाइट भक्ति सेंट, शैवाइट मतलब शिव की पूजा करने वाला, शैवाइट भक्ति सेंट, ठीक है। इस लाइन को भी अंडरलाइन करेंगे, शैवाइट को अंडरलाइन करेंगे, शैवाइट भक्ति सेंट, बिल्कुल सही। ये करंट अफेयर्स है, हम पेपर कैसे बनाते हैं, जो चीज न्यूज में चलता रहता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स फाइनेंस, उसको जो न्यूज में चलता रहता है उससे क्वेश्चन हम बनाते हैं। इससे क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट भी क्लियर होता जाएगा और आपका करंट अफेयर्स भी तगड़ा होता जाएगा। और क्वेश्चन इसी तरीके से पूछता है, आप जो जितना भी पढ़ा एग्जाम्स देंगे उसमें क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, सब्जेक्ट से करंट अफेयर्स पूछेगा ना। वो सब अब जमाना चला गया क्वेश्चन पूछने का, यूएसए का नया प्रेसिडेंट कौन, इस टाइप का क्वेश्चन पूछने का जमाना चला गया। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, करंट अफेयर्स लेकिन सब्जेक्ट से, आप अगले है ना इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे देगा। करंट अफेयर्स से क्यों रिलेटेड है, अच्छा क्यों, क्यों रिलेटेड इसलिए है, इसलिए क्योंकि ये एक्चुअली में हमें लगभग एक साल पहले का करंट अफेयर्स दिया है। हुआ ये कि कर्नाटक में लिंगायत जो कम्युनिटी है दे आर हिंदू पीपल, लेकिन ये कम्युनिटी डिमांड कर रहा है कि इनको एक अलग रिलीजन का दर्जा दिया जाए, डिफरेंट रिलीजन, न्यू रिलीजन का इनको टैग दिया जाए। ये कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देता है ना, क्या कर्नाटक का जो पुराना सरकार था वो लोग इसको अलग स्टेट में रिलीजन का दर्जा दे दिया, और अब चला गया बिल किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अगर नया रिलीजन का दर्जा देगा तो प्रॉब्लम सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये है कि इसको ये कम्युनिटी, ये जो रिलीजन है माइनॉरिटी में रहेगा, और माइनॉरिटी रिलीजन को आप देखो सरकार को कुछ ना कुछ पैकेज देना पड़ता है, जस्ट लाइक स्कॉलरशिप एंड ऑल, तो सरकार का इस पे क्या होगा, पैसा खर्च होगा, और सरकार ये करना नहीं चाहेगा, इसीलिए दोनों के बीच में अभी चल रहा है डिवीजन। मतलब कम्युनिटी डिमांड कर रहे हैं नया रिलीजन बनाने का, सरकार इधर उधर बात घुमा दे रहा है, जैसे किसान लोग फार्म बिल को खत्म करने का बात कर रहे हैं, सरकार बात इधर उधर घुमा दे रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम चल रहा है इसी से ये न्यूज में चला, और इसीलिए क्वेश्चन बना लिंगायत कम्युनिटी। अब खास बात सुन लो, पूछ लिए तो सुन लो, खास बात ये है कर्नाटका का जो सीएम है अभी येदुरप्पा, बीजेपी का जो सीएम है ही इज लिंगायत, ठीक है, ही इज लिंगायत,
और लिंगायत कर्नाटका में बहुत बड़ा वोट बैंक है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 7। हु वाज द फाउंडर ऑफ द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर केसरी? यदुरप्पा का पूरा नाम क्या है? बी एस यदुरप्पा। अच्छा, हु वाज द फाउंडर ऑफ द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर केसरी? क्या होगा आंसर जल्दी बताइए, केसरी न्यूज़पेपर का एडिटर फाउंडर कौन है? तेरी मिट्टी, गाना सुने हो तेरी मिट्टी, आंसर क्या बोल रहे हैं? शैंतनी बोल रही है तिलक, फरहत भी बोल रही है तिलक, कायनात भी बोल रही है तिलक, उदय भी बोल रहे तिलक, और बाकी लोग कहाँ हैं? स्नेहा बताओ। यस, आंसर क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक वॉज द आंसर, केसरी, और दूसरा न्यूज़पेपर निकाला था महारट्टा, महारट्टा। ये क्वेश्चन याद रख लेना, केसरी न्यूज़पेपर कौन सा लैंग्वेज में था? आंसर इज मराठी, मराठी। और महारट्टा कौन सा न्यूज़पेपर था, कौन सा लैंग्वेज में? आंसर इज इंग्लिश, है ना। जब भी कंफ्यूजन होगा कि केसरी कौन सा लैंग्वेज में था, मराठा कौन सा लैंग्वेज में था, तो देखो ये महारट्टा, ये मराठी से मिलता जुलता नाम है ना, कोई लैंग्वेज कौन सा होना चाहिए था? मराठी, लेकिन इंग्लिश में है। यस, तेरी मिट्टी में मिल जावा मैं, या फूल बन के खिल जावा ना, ऐसा कुछ गाना है ना, अच्छा सॉन्ग है, बहुत अच्छा लिखा है। केसरी एंड मराठा न्यूज़पेपर वाज एडिटेड बाय एंड स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक। स्माइल लगा करके नीचे एक लाइन लिखो, देखो केसरी एंड महारट्टा, न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय केसरी एंड महारट्टा, न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक इन 1881। है ना, फुल स्टॉप। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 8। हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क कमेटी? है ना, ये इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर्स है, इकोनॉमिक फ्रेमवर्क कमेटी का बताएंगे चेयरमैन को। सॉन्ग भी लिख दिए, इकोनॉमिक फ्रेमवर्क कमेटी का चेयरमैन कौन है? ताड़ा ताड़ी आंसर करो, जे बोल बे। जानदरी बोल रही है ए, उदय बोल रहे हैं ए, कायनात बोल रही है सी, और कौन है बाबू जल्दी से आंसर बताओ? स्नेहा बोल रही है बिमल जुल्का, ओके और बताओ, सबका रक्त तो पान कर लेंगे, एकदम रक्त तो पान कर लेंगे हम, जहर दे के रक्त पान कर लेंगे। आंसर है बिमल जलान, बिमल जुल का पता कौन है? ही सीआईसी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है। बिमल जलान एक्स गवर्नर ऑफ आरबीआई, नाउ ही इज अपॉइंटेड बाय आरबीआई एज द चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक फ्रेमवर्क कमिटी, ठीक है। आंसर इज बिमल जलान, बोलो हाँ, ठीक है। नाउ देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर, बाय विच अमेंडमेंट जीएसटी वाज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ है? भूले क्या छिलम, नहीं, आंसर क्या होगा? 100 है, आंसर है 101st अमेंडमेंट। क्या है आंसर? 101st अमेंडमेंट, लिख लो स्माइल लगा के, क्लाइन नाइन के सामने स्माइल लगा करके लिखो 101st अमेंडमेंट, 101st अमेंडमेंट।
by which GST was added in the constitution. By which GST was added in the constitution. GST was added in the constitution, passed in the parliament, passed in the parliament on 8 August 2016. Amendment कब पास हुआ है? Amendment पास हुआ है 8 August 2016. And GST was introduced. GST कब से लागू हुआ है? लिख लेना. 1 July 2017 है ना? बोलो हाँ है ना जी. बोलो हम लोग महिंद्रा में एक सर थे, याद है आप लोग को? उपेंद्र सर. उपेंद्र सर ऐसे बोलते थे, है ना जी. बोलो ऐसे बोलते थे ना वो. अच्छा बोलो तो 99th अमेंडमेंट की क्या चीज का है? 99th अमेंडमेंट में क्या ऐड हुआ है, क्या पास हुआ था? बोलो जवा केसरी, 99th अमेंडमेंट से क्या ऐड हुआ था? जो बोलेगा उसको 50 रुपए, साथ में एक बिरयानी, साथ में एक डेयरी मिल्क सिल्क. जल्दी बोलो. बाबू 99th अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन में आया था एनजेएसी. एनजेएसी नेशनल अपॉइंटमेंट जुडिशियल कमीशन. ठीक है, एनजे अपॉइंटमेंट जुडिशियल कमीशन. लेकिन 99th अमेंडमेंट क्या हो गया अभी? 99th अमेंडमेंट फंक्शन में नहीं है. 99th अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट स्टे ऑर्डर लगा दिया. ठीक है, अगर अमेंडमेंट आप लोग बोलेंगे तो हम पढ़ाएंगे, वहां पे आपको डिटेल में इसके बारे में पढ़ा देंगे. 99th अमेंडमेंट क्या हो गया इसके ऊपर पैनल हो गया. बिल्कुल सही मौसमी. तो 99th अमेंडमेंट क्या हो गया? यस बिल्कुल सही शांतनु, रिलेटेड विद द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस. ऐसे भी आप लोग बोल सकते हैं ना, रिलेटेड विद द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस. 100th अमेंडमेंट क्या है? 100th अमेंडमेंट क्या है जल्दी से बता दो मुझे, जल्दी से 100th अमेंडमेंट क्या है? हंड्रेड अमेंडमेंट से क्या हुआ है कमेंट में आप लोग जल्दी से बता देना. तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं. 100th अमेंडमेंट से हुआ था लैंड एक्सचेंज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. वेरी गुड मौसमी शांतनु, लैंड एक्सचेंज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश 2015 में. ठीक है, द ऑथर ऑफ द तारीख यामिनी ऑल्सो कॉल्ड किताबुद यामिनी वॉज रिटन बाई. कौन सा राइटर है तारीख यामिनी और किताबुद यामिनी? ठीक है, यस बिल्कुल सही है स्नेहा, फरहत, अनोल, सब लोग का सही आंसर है. अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे. द ऑथर ऑफ द तारीख है यामिनी ऑल्सो कॉल्ड किताबुद यामिनी. तो ऑथर का नाम आपको बताना है कौन है. ये हम पढ़ाए हैं एसएससी के क्लास में आप लोग. बोलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सब लोग सही बताए. आंसर बिल्कुल सही, अबू नसर उतबई. अबू नसर उतबई वॉज द कोर्ट पोर्ट ऑफ महमूद गजनी. महमूद गजनी के कोर्ट में तीन आदमी था, एक का नाम था उतबई, दूसरा का नाम था फिरदौसी, है ना, और तीसरा का नाम था अलबरूनी. ठीक ना, अलबरूनी. ठीक अच्छे, तो वेरी गुड. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, उदबई का बुक का नाम क्या है? किताबुद यामिनी. अलबरूनी का बुक का नाम क्या है? तहकीक हिंद. याद होगा आप लोग को 100% ये सब, तहकीक हिंद, है ना.
और फिरदौसी का बुक का नाम क्या है? फिरदौसी का बुक का नाम आप लोग कमेंट में फटाफट मुझे बताएंगे। नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ मेंबर ऑफ इंडियन एसोसिएशन ऑफ सेट अप इन 1876। दो बार इंडियन एसोसिएशन आ गया है, एक ही बार होगा। यस, फिरदौसी का बुक का नाम है शाहनामा, बिल्कुल सही। अच्छा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ मेंबर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन सेट अप इन 1876। दो बार इंडियन एसोसिएशन लिख दिया मैंने, तो एक बार को हम काट देते हैं। इंडियन एसोसिएशन सेटअप हुआ 1876, इसका फाउंडर का नाम आपसे पूछ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, WBCS में भी ये वाला क्वेश्चन आता है, तो WBCS, SSC, रेलवे, FCI सब जगह पे ये क्वेश्चन आता है। IBSE, IU का मॉक टेस्ट कर रहे हैं, लिंक को आप लोग शेयर करते चलना दोस्तों में फटाफट फेसबुक और सब ट्विटर पे। तो आंसर क्या बोल रहे हैं आप लोग? आंसर बोल रहे सी, बिल्कुल सही, आनंद मोहन बोस, है ना, आनंद मोहन बोस। दूसरा आदमी का नाम बताओ कौन है, हु इज द सेकंड मैन? आनंद मोहन बोस के साथ एक और भी आदमी था, वो कौन आदमी है? हु इज द सेकंड मैन? अन अकेडमी पे जो लोग भी मुझे फॉलो नहीं किया है तो जरूर फॉलो कर लेना, नाम सर्च करके WBCS के कोर्स में नाम सर्च करना, INT, बस इतना टाइप करोगे आप मेरा नाम देख पाओगे, आप मुझे फॉलो कर पाओगे। यस, आंसर इज SN बनर्जी, यस ना, SN बनर्जी, आनंद मोहन बोस, ये दोनों मिल करके बनाया, कहां पे? कैलकटा, है ना, कहां पे बनाया? आंसर इज कैलकटा, ठीक है। तो चल, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च ऑपरेशन शील्ड? बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये वाला, है ना, ऑपरेशन शील्ड, कमेंट में आंसर बताएंगे। कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है लॉन्च किया ऑपरेशन शील्ड? बिल्कुल सही आंसर क्या बाबू? आंसर है दिल्ली गवर्नमेंट, ऑपरेशन शील्ड वाज लॉन्च बाय दिल्ली गवर्नमेंट। अब इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे, 12 के सामने स्माइल लगा करके लिखो, ऑपरेशन शील्ड वाज लॉन्च बाय दिल्ली गवर्नमेंट, ऑपरेशन शील्ड वाज लॉन्च बाय दिल्ली गवर्नमेंट इन द 21 हॉटस्पॉट, इन द 21 हॉटस्पॉट्स, 21 हॉटस्पॉट्स ऑफ COVID-19. Yes, 21 hotspots of COVID-19, and CM of Delhi asked people to stay in the containment zone. Asked people to stay in the containment zone. क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देख लिया, 21 हॉटस्पॉट को अंडरलाइन कर लेना, कितने जगह पे लॉन्च किया था? 21 हॉटस्पॉट पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, नाग रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम, है ना, ये ज्योग्राफिकल करंट अफेयर्स है, नाग रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम, नाग रिवर पूरा दुनिया में बहुत जगह पे है, नाग रिवर बोल के, नाग नागा ऐसा करके रिवर का बहुत जगह पे नाम है, थाईलैंड, फिलीपींस एंड ऑल बहुत जगह पे, हम कम से कम 10 कंट्री ऐसा दुनिया में जानते हैं जहां पे नाग रिवर, उसमें से एक इंडिया भी है। क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी से आंसर बताएंगे फटाफट। बिल्कुल सही है स्नेहा, वेरी गुड, आंसर है लावा हिल्स, बिल्कुल सही आंसर क्या है? लावा हिल्स। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे लावा हिल्स कौन सा स्टेट में लोकेटेड,
कौन से स्टेट में लोकेटेड है लावा हिल्स, फटाफट बताएंगे आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही बोले, लावा हिल्स, एकदम करेक्ट। सब लोग पतंजलि वाले स्पाइली तो कमेंट में मुझे जल्दी से फटाफट विच ऐसे सीमी के साथ। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम लोग, 14 देखेंगे। इन विच ईयर साइमन कमीशन विजिटेड इंडिया टू रिफॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आपसे पहले क्वेश्चन पूछेगा साइमन कमीशन इंडिया में कब आया, है ना? तो इसका आंसर बताएंगे आप लोग कब आया, जल्दी से कमेंट में बताओ आंसर। नेहा बोलचे 19, मौसमी बोलचे 1928, वेरी गुड। आर के आचे कमेंट ए आंसर बोलो। फरहद भी बोलचे 1928, वेरी गुड। और कोई है? स्नेहा बोलचे 1928 एंड 1930 में कंफ्यूज हो। ओके, जहर दो जहर पतंजलि का। अच्छा सुनो, तीन चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइमन कमीशन से। आपसे पूछेगा व्हेन साइमन कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, आंसर क्या बोलोगे? 1927। ठीक है, साइमन कमीशन विजिटेड इंडिया, क्या लिखा? लिखते चलना, विजिटेड इंडिया। आंसर क्या लिखोगे? आंसर लिखोगे 3 फरवरी 1928। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा साइमन कमीशन कहां पे कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, वेयर वेयर इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, आंसर लिखेंगे लंदन। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा साइमन कमीशन इंडिया में क्या करने आया था, कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिया का रिफॉर्म करने। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये साइमन कमीशन को अपोज क्यों किया, बिकॉज There were no Indian in the commission. क्यों अपोज किया? No Indian in the commission. ठीक है, ये पूरा लाइन क्वेश्चन है इन द कमीशन। आप बोलेगा साइमन कमीशन का चेयरमैन कौन था, आंसर क्या बोलेंगे? तब आंसर बोलेंगे जॉन साइमन, JOHN, जॉन साइमन। इतना सारा क्वेश्चन बनता है हम लोग को, और कौन सा स्लोगन आदमी लोग लगाए, तो आंसर क्या है? साइमन गो बैक। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा लाला लाजपत राय का डेथ कैसे हुआ, व्हेन ही वाज प्रोटेस्टिंग साइमन कमीशन, तब उनको ब्रिटिश लोग मार देता है लाठी से पीट के। कौन था ब्रिटिश ऑफिसर जो लाला लाजपत राय को पिटवाया था, तो आंसर बोलेंगे सॉन्डर्स। ठीक है, इतना सारा क्वेश्चन पूछता है। सॉन्डर्स को कौन मारेगा फिर बाद में? भगत सिंह सुखदेव राजगुरु, और इसी चार्ज में भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दिया जाएगा। और भी चार्ज था, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंकने का चार्ज था, ये सब चार्ज में उनको दे देगा फांसी, है ना? समझ गए, इतना क्वेश्चन सब लोग को पता चलता है साइमन कमीशन से। कब बना? 1927, ना? कब इंडिया में आया? 1928। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम लोग, है ना? वेयर वॉज नमस्ते ट्रंप इवेंट ऑर्गेनाइज। ओहो, कोविड का स्ट्रेन यहीं से आया इंडिया में, अगर ये इवेंट नहीं होता ना, नहीं होता कोविड। क्लियर, वेरी गुड। वेयर वॉज नमस्ते ट्रंप इवेंट ऑर्गेनाइज्ड? दिल्ली, बॉम्बे, कर्नाटका एंड गुजरात, कहां पे हुआ था? आंसर बिल्कुल सही, सब लोगों को पता है आंसर इज गुजरात। अब मेरा क्वेश्चन है गुजरात में कहां पे हुआ था, स्टेडियम का नाम बताना है। व्हाट वॉज द नेम ऑफ द स्टेडियम, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेडियम? स्टेडियम का नाम क्या है? स्टेडियम का नाम है मोटेरा स्टेडियम, मोटेरा स्टेडियम, यहीं पे हुआ था
नमस्ते ट्रंप इवेंट, अच्छा डेट लिख लेना, नहीं मोटेरा स्टेडियम, डेट लिख लेना कब हुआ था, ऑन 24th फरवरी, डेट एग्जाम में पूछ लेता है इसलिए लिख लेना 24th फरवरी 2020। अगर फरवरी में ही इंटरनेशनल फ्लाइट को बंद कर देते ना तो इंडिया में कोविड नहीं होता, और जब फैल गया तो फिर ये फिर लोग मुसलमानों के ऊपर लगा दिया चार्ज कि कोविड मुसलमानों के वजह से आया, तबलीगी जमात। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जजमेंट आ गया इसके ऊपर, बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट, दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है इसको, बोला गलत बात है उन लोग की वजह से नहीं आया। और उन लोग अगर लेकर के भी आए तो उसको तो आप लोग खुद बुलाए ना, वो तो बाहर का आदमी था, और बाहर का आदमी तो कैसे आया, वीजा तो इंडिया का गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री दिया है, फॉरेन मिनिस्ट्री वीजा दिया है। तो क्या होता है ना, दूसरे के ऊपर जब आप इल्जाम लगा देते हैं तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और आप अपने दोस्तों के ऊपर इल्जाम लगा देंगे, तो आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और इल्जाम दोस्तों के ऊपर लगाएंगे तो फिर आगे कभी पढ़ भी नहीं पाएंगे, बिकॉज आपका टेंडेंसी हो चुका है दूसरे को इल्जाम लगाने का। मेरा दोस्त हमको खेलने लेके चला गया, फिल्म दिखाने लेके चला गया, आपका टेंडेंसी है दूसरे को इल्जाम लगाना, देन यू विल नेवर सक्सीड। तो इल्जाम कभी दूसरे को पर नहीं लगाना चाहिए। यस, इन द अहमदाबाद में है मोटेरा स्टेडियम, राइट? ठीक है, बोलो हाँ, यही बात पे सब लोग स्माइली दे दो 50-50। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16, हु कॉल्ड बाल गंगाधर तिलक एज द फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। ठीक है, ओहो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो कमेंट में आंसर बताओ। स्माइली देने बोला था, रोने वाला नहीं हंसने वाला। जो बोलेगा 50 रुपए। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, आई सॉन्ग ना, यस। जल्दी बताओ रे आंसर बाबा, आंसर है इसका, जो लोग भी आप लोग आंसर सोच रहे हैं वो आंसर नहीं है, आंसर है जवाहरलाल नेहरू इज द, ठीक है। आंसर क्या है बाबू, बाल गंगाधर तिलक, आंसर है जवाहरलाल नेहरू इज द आंसर, है ना। ये क्वेश्चन आप लोगों को सही में नहीं पता होगा, हम जानबूझ के गांधी जी ऑप्शन में दिया था, यस आंसर है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लॉन्च के डेट पे कौन सा इंडिया का आदमी, कौन सा एक फ्रीडम फाइटर का डेथ हो गया था, तो आंसर क्या बोलोगे। ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिस दिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ उस दिन डेथ हुआ था बाल गंगाधर तिलक का, 1920, ठीक ना। लाला लाजपत राय का डेथ कब हुआ था, 1928। तो जानबूझ के दिया था ऑप्शन में ऐसा, और गांधी जी टाइटल क्या दिए थे जब बाल गंगाधर तिलक का डेथ हो गया था, तो गांधी जी टाइटल पता क्या दिए थे, स्माइल लगा करके लिख लो, गांधी जी का टाइटल भी लिख लो। ये सब टाइटल कब मिला है, जब उनका डेथ हुआ है उस दिन पे लिखो, व्हेन बाल गंगाधर तिलक डाइड इन 1920, when Bal Gangadhar Tilak died in 1920, Gandhiji addressed him, inverted comma mein likho, as the father of modern India, nahin, father of modern India, theek hai।
फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया गांधी जी। और बोलेगा, कोई बोलेगा आपसे, क्वेश्चन पूछेगा कि बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट ये कौन दिया, तो आंसर बोलेंगे वैलेंटाइन चिरोन। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट ये टाइटल देने वाला आदमी का नाम है वैलेंटाइन चिरोन, और शायद वैलेंटाइन भी है, वैलेंटाइन चिरोन। ठीक है, आया याद, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट वॉज गिवन बाई वैलेंटाइन चिरोन। ये कौन था? ही वॉज अ ब्रिटिश जर्नलिस्ट एंड स्कॉलर हुज गिवन दिस टाइटल दिस टू द बाल गंगाधर तिलक। सब क्लियर? क्लिनिक ऑल क्लियर। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट। टेक्टोनिक प्लेट से इनमें से क्या चीज नहीं होता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। एकदम बांग्लाई बोलते हो बे, तो एकदम बोलो। चलो जल्दी से आंसर बताओ। 17 का आंसर, 17 का मौसमी बोल रही है, स्नेहा बोल रही है 17 का सी। ओके, और बताओ, और बताओ सब लोग। बिल्कुल सही, 17 का सी है, ओशन करंट है ना, नॉट कॉज बाय द अर्थक्वेक। ओशन करंट आता है अर्थक्वेक की वजह से नहीं, सुनामी की वजह से आता है, नहीं पता नहीं। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 18 है ना, 18 देखेंगे क्वेश्चन नंबर। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ठीक है, चलिए आंसर बताइए। वेरी गुड, आंसर क्या है? आंसर इज 18 का ए, ऑक्सीजन, जो हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है ना, ऑक्सीजन इज द आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19। एशियन गेम्स 2034 विल बी हेल्ड इन, एशियन गेम्स 2034 कहां पे होने वाला है? बिल्कुल सही, आंसर क्या है बाबू? 19 का आंसर क्या है? डी, सऊदी अरब इज द आंसर, है ना, सऊदी अरब। एंड 2030 का एशियन गेम्स कहां पे होने वाला है? 2030, 2030 जल्दी बताओ आंसर, 2030 का कहां होने वाला है? बिल्कुल सही आंसर इज कतर, है ना, कतर। कुवैत का करेंसी दुनिया में सबसे हाईएस्ट है, वैल्यू पता है तो आप लोग को कुवैत का। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20। हु इज अपॉइंटेड एज द पीएम एडवाइजर ऑफ बांग्लादेश? इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स से मैंने क्वेश्चन दिया है, बांग्लादेश के पीएम का एडवाइजर कौन है? अच्छा पहले ये तो बता दो, बांग्लादेश के पीएम है कौन? बांग्लादेश का पीएम का नाम क्या है?
शेख हसीना, शेख हसीना का फादर का नाम क्या था? शेख मुजीबुर रहमान, है ना। शेख मुजीबुर रहमान का टाइटल है बंग बंधु, क्या है ना, बंग बंधु। ठीक है। अच्छा, हु इज अपॉइंटेड एज द पीएम एडवाइजर ऑफ बांग्लादेश? आंसर क्या है बाबू, जल्दी से आंसर बताएंगे। आंसर है सलमान फजलुर रहमान। क्या आंसर है? सलमान फजलुर रहमान, ऑप्शन बी इज द आंसर, है ना। ठीक है, तो यस, तो 20 क्वेश्चन का जीएस का क्वेश्चन आज हम लोग किया है। हो सके तो कल भी मैं बना दूंगा ऐसे ही जीएस का, कल कल आना, इससे भी घातक घातक क्वेश्चन। हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं एक्चुअली में, लेवल को रेज करेंगे आपके एग्जाम आते आते तक। धीरे 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 हम लेवल को क्या करेंगे, रेस करेंगे कि किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए तो उस लेवल का क्वेश्चन को आप करने में क्या हो जाए, थोड़ा कैपेबल रहे। तो कल भी हम ट्राई करेंगे लाने का। अच्छा, आज स्पेशल क्लास नहीं है, कल अब हम लोग मिलेंगे स्पेशल क्लास में, प्लस क्लास में, और हो सके तो यूट्यूब क्लास में भी मिलेंगे, है ना। एमटीएस भी बना दूंगा, बिल्कुल बनाऊंगा, एमटीएस बनाऊंगा, सीजीएल बनाऊंगा, सारे सब्जेक्ट्स का बना दूंगा, सारे एग्जाम्स का भी बना दूंगा। एसआई कब चल रहा है वो भी बना दूंगा, एसआई फूड इंस्पेक्टर का चल रहा है। अच्छा, तो प्लस क्लास में ज्वाइन करने के लिए फीस है 15,200 रुपए 2 साल के लिए, 1 साल का 10,450 रुपए, है ना। तो आप लोग एमडीआरएम कोड लगा के क्या कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और 1 ईयर 9,450 रुपए, 13,680 रुपए फॉर 2 ईयर, है ना। आप लोग रिफरल कोड मेरा लगा लेना, एमडीआरएम लगा करके सब्सक्रिप्शन ले, है ना। तो सब लोग हम लोग मिलेंगे अब कल, अच्छा आपको क्लास नहीं। अच्छा, तो प्लस क्लास में ज्वाइन करने के लिए आप लोग एचडीएफसी का कार्ड भी यूज कर सकते हैं, है ना। थैंक्स, और आप लोग जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये वाला बैच लक्ष्य, उसमें भी आप लोग ज्वाइन सब कर सकते हैं अनअकैडमी पे, और मेरा कोड लगा के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, कल मिलते हैं।